महज 40 साल में 10,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा किया। फिर रेप का आरोप लगा, मामला कोर्ट पहुंचा, सजा सुनाई गई, उम्र कैद की सजा। ये साम्राज्य किसी राजा का नहीं था बल्कि एक बाबा का था। बाबा का नाम है आसाराम। इनके भक्त आज भी हैं और आप भी इन्हें जानते होंगे। लेकिन चर्चा आज क्यों? क्योंकि इन्हें गुजरात के गांधीनगर के सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले भी इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। जोधपुर के कोर्ट ने इन्हें 2018 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यानी कि एक इंसान को 2 उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। अब जब राजा जाता है तो उसके साम्राज्य क्या क्या, और साम्राज्य भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 10,000 करोड़ का साम्राज्य। आपने सुनी होगी कहावत कि राजा का बेटा राजा बनता है, लेकिन यहां पे राजा का बेटा भी राजा के नक्शे कदम पर चला और उनके बेटे आसाराम के बेटे नारायण साई भी रेप के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तो अब इस साम्राज्य को कौन चला रहा है? इस साम्राज्य को चला रही है एक लड़की। इस लड़की का नाम है भारती देवी और भक्त ने भारती श्री और श्रीजी कह के पुकारते हैं। तो कौन है ये भारती देवी, यही आज आपको असद बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 10,000 करोड़ का साम्राज्य तैयार कैसे हुआ। अहमदाबाद में पहला आश्रम बनाने के बाद करीब 20 से 30 सालों में ही आसाराम के अनुयायियों यानी भक्तों की तादाद इतनी बढ़ गई कि आज देश विदेश में उनके करीब 400 से भी ज्यादा आश्रम हैं, जिनमें 40 से 50 गुरुकुल हैं। इनके साथ ही 17,000 से ज्यादा बाल समाधि केंद्र और 1500 से ज्यादा सेवा समितियां भी हैं। इसके साथ ही वो एक आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी बन गए। उनके आश्रम में कई प्रोडक्ट्स बिकने लगे, जैसे याददाश्त बढ़ाने के लिए स्मृति चूर्ण, जोड़ों के दर्द के लिए संधि शुलहर चूर्ण, कैंसर के लिए गोली, शरबत, च्यवनप्राश और आंखों की दवा। इतना ही नहीं, कई आश्रमों में तो आयुर्वेदिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बिकते थे। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ था कि अहमदाबाद की एक कंपनी को आश्रम के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए सालाना 350 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। इसके साथ आसाराम के नाम से ऋषि प्रसाद और लोक कल्याण सेतु नाम की 2 मैगजीन भी निकलती थी। इन दोनों मैगजीन की सालाना 2.5 लाख कॉपियां बिकती थीं, जिससे करीब 10 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी। आसाराम के 2-3 दिनों तक चलने वाले सत्संगों में अनुयायी दान भी खूब करते थे। खासतौर पर गुरु पूर्णिमा पर विशेष कार्यक्रम होते थे और इस तरह आसाराम के आश्रम में करोड़ों रुपया दान का पहुंचता था। 26 अक्टूबर 2013 को पुलिस ने रेप के मामले में फरार आसाराम के बेटे नारायण साई की तलाशी के लिए अहमदाबाद के सीजी रोड स्थित एक अपार्टमेंट में छापा मारा। रेड से पहले ही नारायण साई यहां से भाग निकला, लेकिन अपार्टमेंट में दस्तावेजों से भरे 42 बक्से पुलिस के हाथ लग गए। इन दस्तावेजों की जांच में खुलासा हुआ कि आसाराम ने 500 से ज्यादा लोगों को 1635 करोड़ रुपए ऊंचे ब्याज पे दिए थे। इतना ही नहीं, 2 अमेरिकी कंपनियां सोहम इंक और कॉस्टस इंक में 156 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी था। अपार्टमेंट से कैश 8 करोड़ रुपए भी जब्त किए गए थे। बाद में नारायण साई के साथियों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ था कि उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए ये रुपया पुलिस वालों की रिश्वत के लिए जमा किए थे। सूरत के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर और उनकी टीम ने जब आसाराम के अलग अलग दस्तावेजों की जांच की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। कमिश्नर ने ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखकर बताया कि आसाराम और नारायण साई ने कई कंपनियों में भारी इन्वेस्ट कर करोड़ों के टैक्स की चोरी की थी। साथ ही बड़ी संख्या में देश भर के कई व्यापारियों, उद्योगपतियों और रियल एस्टेट डीलरों के नाम भी सामने आए, जिनसे ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने के लिए आसाराम के साथ लेन देन हुआ करता था। जांच में आसाराम का साम्राज्य का आंकड़ा 10,000 करोड़ के पार पहुँच चुका था। अब आते हैं भारती देवी पर। कई साल पहले संत श्री आसाराम ट्रस्ट बना था। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है, लेकिन आसाराम ने देश विदेश में जितने भी आश्रम, स्कूल या बाकी संस्थान बनाए हैं, उनकी देखरेख इसी ट्रस्ट के जरिए भारती देवी कर रही हैं। भारती पिछले 19 सालों से आश्रम और ट्रस्ट को मैनेज कर रही हैं, लेकिन हमेशा वो लाइमलाइट से दूर रही। आसाराम के फॉलोअर्स के बीच उनकी अच्छी इमेज भी है। साल 2004, ये वो वक्त था जब आसाराम के आध्यात्मिक मंच पर भारती देवी की एंट्री हुई। धीरे धीरे वो आसाराम के सत्संग में भी आने लगी। आसाराम के फॉलोअर्स के बीच उनका प्रभाव भी बढ़ने लगा। भारती देवी का सबसे बड़ा हुनर यही है कि वो किसी भी बात को आसानी से लोगों के दिमाग में बिठा देती हैं। फिर भी भारती देवी की चर्चा बाहर की दुनिया में कम ही होती है, क्योंकि लोगों का ध्यान आसाराम और नारायण साई पर ज्यादा रहता है। लेकिन आसाराम और नारायण साई को जेल हुई तो 2013 में ही भारती देवी ने आसाराम की गद्दी संभाल ली। आसाराम के प्रवचनों के दौरान भारती देवी भजन गाया करती थी। इसके कई वीडियोस भी सामने आ चुके हैं। पिता की ही तरह वो अपनी स्पीच से लोगों को भाव विभोर कर देने वाली शैली भारती देवी की खासियत है।
भारती देवी को महंगी कारों का शौक है, लेकिन आश्रम में संदिग्ध गतिविधियों और आसाराम और नारायण साई के जेल जाने के बाद उन्होंने अपनी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल लिया। अब उन्होंने लोगों के बीच सीधा संपर्क कर दिया है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भारती देवी अहमदाबाद के आश्रम में रहती हैं और यहाँ होने वाली आरती में नियमित रूप से शामिल होती हैं। उनके प्रवचन भी सोशल मीडिया हैंडल के जरिए जनता तक पहुँचाए जाते हैं, ताकि आसाराम के बनाए हुए साम्राज्य की नींव को कमजोर होने से बचाया जा सके। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।